हेलो एवरीवन, आज हम आए एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बनाना सीखेंगे सोया चिल्ली कैसे बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सोया चिल्ली बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए सोयाबीन, नमक, धनिया का पत्ता, कॉर्नफ्लावर, शिमला मिर्ची, कांदा, लहसुन, विनेगर, रेड चिल्ली सॉस, अदरक और लहसुन का पेस्ट, सोया सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस, कटी हुई हरी मिर्ची, लाल मिर्ची पाउडर, टमाटर सॉस और अदरक। सबसे पहले हम टोप में पानी को गर्म कर लेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे सोयाबीन और 2-3 मिनट के लिए हमें रखना है, उसके बाद में हमें निकाल लेना है। अब हमें पानी को थोड़ा ठंडा होने देना है और उसके अंदर से जो पानी है वो निचोड़ के निकाल लेना है। सारे सोयाबीन के पानी निचोड़ चुके हैं तो हमें इसके अंदर ऐड कर लेना है अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्ची पाउडर, कॉर्नफ्लावर, नमक टेस्ट अनुसार। अब हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हमें सोयाबीन को फ्राई कर लेना है। इसी तरह से सारे सोयाबीन फ्राई हो चुके हैं, अब हमें निकाल लेना है और साथ ही में हमें एक कढ़ाई लेना है, उसके अंदर ऐड करना है हमें तेल। तेल गर्म हो जाए तो हमें ऐड कर लेना है लहसुन, साथ ही ऐड करना है हमें अदरक। अदरक और लहसुन को चला लेना है थोड़ा, साथ ही ऐड कर लेना है हमें कांदा। साथ ही हमें ऐड कर लेना है हरी मिर्ची, थोड़ा कांदा लाल हो जाए तो साथ में हमें ऐड कर लेना है शिमला मिर्ची। विनेगर ऐड कर लेना है, ग्रीन चिल्ली सॉस, रेड चिल्ली सॉस, साथ ही हमें ऐड कर लेना है सोया सॉस। थोड़ा चला लेना है हमें। अब हमें ऐड करना है टेस्ट अनुसार नमक, टमाटर सॉस ऐड कर लेना है, और अच्छी तरह से चलाते रहना है। लास्ट में हमें ऐड कर लेना है लाल मिर्ची पाउडर। अब हमें कॉर्नफ्लावर लेना है और उसके अंदर आधा ग्लास में पानी ऐड कर लेना है और अच्छी तरह से चला लेना है। साथ ही हमें उसके अंदर ऐड कर लेना है, साथ ही हमें ऐड करना है जो हमने फ्राई किया था सोयाबीन। तो देखिए हमारा सोया चिल्ली हो गया है। इस तरह से हमारा सोया चिल्ली बनकर तैयार हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब
और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।